गिरबे धीरे से उठाबा पार्टी मने मत गिराबा रे बहुत परेशानी होल। यह देखिए बड़ा बोरी में किस तरह से भर कर ले जा रहे हैं गेहूँ। यह बहुत सस्ता उपाय है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है गेहूँ बोने के लिए। देखिए आप लोगों के सामने बोह के ले जा रहे हैं, बिल्कुल डोली की तरह ले जाया जा रहा है। गाइस मज़ा ही आ रहा है काम करने के लिए यार, गेहूँ ढोने के लिए मज़ा ही आ रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं गेहूं काटने, तो उसका वीडियो मैं आप सबों को दिखाऊंगा। मैं बहुत सारा बनियार लगाया हूं, मजदूर लगाया हूं गेहूं काटने के लिए। तो आइए मैं ले चलता हूं आप सबों को मेरी गेहूं खेत की ओर। तो गाइस मैंने दिखाया था आप सबों को कि मैं गेहूँ लगाया था उस समय और जो दाने निकले थे उस बार मैं आप वीडियो बनाया था दिखाया था। और हम लोग का यह गेहूँ पक चुका है और हम लोग काटने शुरू कर दिए हैं। यह देखिए काटने के लिए मैं बहुत सारा बनियार लगाया हुआ हूँ। यह देखिए ये नीचे का भाग में काट रहे हैं, दो खेत है, बड़ी बड़ी खेत है बड़ी बड़ी, और ऊपर आधे लोग काट रहे हैं। मैं उसको वही लोग को भी आप सबों को दिखाता हूँ, ऊपर वालों जो काट रहे हैं उन लोग को भी। यह देखिए ये लोग ऊपर का खेत में काट रहे हैं। बहुत अच्छी गेहूँ पैदावार हुई थी, अब इसको मिसेंगे तो देखेंगे कि कितनी बोरी होती है गेहूँ। अब उसका भी वीडियो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। यह देखिए तो गाइस आज हम लोग का गेहूं को काट के ख़त्म किया और बोह भी डाला, और कल हम लोग मिसेंगे उसका भी प्रक्रिया दिखाएंगे आप सबों को। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि गेहूं कैसे मिसते हैं, उसको दिखाएंगे आप सबों को। यह देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र में था उधर, पूरा उधर का को उठा के ख़त्म कर लिए। अभी यह लास्ट ही बचा है कुछ, देखिए अभी ख़त्म हो जाएगा। यह देखिए लास्ट गेहूँ जो बोह के जा रहे हैं, यह खत्म हो गया गेहूँ बोह के। यह देखिए सब कुछ जा रहे हैं कतार में, देखिए कैसे ढेमा ढेमा बांध के बोरे में ऐसे बोहा जाता है गेहूँ साड़ी से, क्योंकि गिड़वा भार में करने से बहुत ये गिरने वाला है। यह देखिए गिड़वा भार में ऐसे ही छोता है, इसलिए साड़ी में बोहा जाता है। देखिए धीरे से उठा बाबे गिरी बे। यह देखिए बड़ा बोरी में किस तरह से भर कर ले जा रहे हैं गेहूं। यह बहुत सस्ता उपाय है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती है गेहूं बोने के लिए। देखिए आप लोगों के सामने बोह के ले जा रहे हैं, देखिए दोस्तों डोली की तरह ले जा रहे हैं, मज़ा ही आ रहा है देख रहे हैं। अगर यदि आप लोग के तरफ भी गेहूं है तो इसे ज़रूर बोइएगा, आप लोग भी ढोइएगा। तो गाइस हमने गेहूं ढो के ख़त्म कर लिया और यहाँ पे जॉन डियर ट्रैक्टर से मिसते हुए, ड्राइवर का नाम है जीतराम राम, यह बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं। यह देखिए कैसे मिस रहे हैं, यह देखिए जॉन डियर ट्रैक्टर 5105 से मिसते हुए भाई जी। और यहाँ पे ट्रैक्टर से मिसते हुए 415 DI भूमिपुत्र ट्रैक्टर से, रेड रेड यह ट्रैक्टर, ये जो खतरनाक चलाने वाला शख्स मैं ही हूँ। देखिए किसे खतरनाक ड्राइविंग कर रहा हूँ मैं भी बहुत खतरनाक गाड़ी चलाता हूँ। यदि अच्छी गाड़ी चलानी हो तो मेरे से भी आप लोग संपर्क कीजिएगा, मैं भी आपको अच्छी ट्रेनिंग दे सकता हूँ ट्रैक्टर चलाने के लिए। तो दोस्तों और भी मज़ा आने वाला है, आगे देखते रहिए। गाइस यदि चैनल में नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आप लोग देख सकोगे। गेहूं सब मिसा के धुआं धुआं हो गया, फटाफट आप पुआल फेंकते हैं इसका गेहूं का और ओसाने का प्रक्रिया शुरू करते हैं दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए।
तो गाइस हमने गेहूँ मिस के ख़त्म कर लिया और यह देखिए यहाँ पे हम लोग ओसाते हुए बहुत भारी मात्रा में गेहूँ मिसे हैं और हम लोग अभी ओसा रहे हैं। यह देखिए पुआल को भी फेंक लिए फिर ओसा रहे हैं। यह देखिए ये जो पंखा जो दिख रहा है इस पंखा देसी जुगाड़ से बनाए हैं हम लोग। यह पंखा मोटर पानी फेंकने वाला मशीन है उसको हमने अपना दिमाग का स्किल के साथ में बनाया हुआ है। यह देखिए बहुत तेज़ वायु देती है, बहुत अच्छी पंखा मानी जा सकती है इसे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए प्रवीण एका ब्लॉग्स के साथ और देखते रहिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय हिंद, वंदे मातरम।